दोस्तों, पैसा एक ऐसी चीज है जो हर इंसान अपनी जिंदगी में कमाना चाहता है। पैसा लाइफ का एक ऐसा जरूरी सोर्स है जो हमारी लाइफ को इजी बनाता है, हमें वो फैसिलिटीज दिलवाता है जो हमारी जरूरतों को पूरा करती है। लेकिन दोस्तों, अब सवाल ये आता है कि आप पैसे को कितना इम्पोर्टेंट मानते हो? क्या आप ये मानते हो कि पैसा जिंदगी में सबसे ज्यादा जरूरी है, या आप ये मानते हो कि पैसा जिंदगी का सिर्फ एक पार्ट है? आप इनमें से क्या मानते हो हमें कमेंट करके अभी बताएं, क्योंकि दोस्तों पैसा एक ऐसी चीज है जो हर इंसान अपनी लाइफ में कमा ही लेता है। वो बात अलग है, कोई इंसान कम पैसा कमा पाता है तो कोई ज्यादा कमा लेता है, लेकिन इतना पैसा तो हर कोई कमा लेता है जिससे वो अपना और अपने परिवार का पेट पाल सके, चाहे इसके बदले उसे कितनी ही मेहनत क्यों ना करनी पड़े। लेकिन आज के दौर में हर इंसान पैसे को अलग अलग नजरिए से देखता है। कभी आप किसी इंसान को देखकर पैसा कमाने की ना सोचें। कोई आपसे ज्यादा कमा रहा है तो आप ऐसा ना सोचें कि मैं उससे ज्यादा कमाऊंगा, या कोई आपसे कम कमाता है तो खुद को उससे बड़ा समझना। मेरा मतलब यह है कि पैसे को अपने लाइफ का सिर्फ एक पार्ट रखो, उसमें डूबो मत, क्योंकि उससे बढ़के और भी चीजें हैं। बहुत सी ऐसी खुशियां हैं जो आप पैसों से नहीं खरीद सकते। दोस्तों, पैसे को आप थ्योरेटिकल वर्सेस रियलिटी से समझे। आज का टाइम ऐसा है कि अगर आप पैसा कमाने के लिए दिन रात मेहनत करोगे तो लोग कहेंगे कि पैसे के लिए मरा जा रहा है, और अगर मेहनत नहीं करोगे तो लोग कहेंगे कि काम चोर है, निठल्ला है। आप ज्यादा पैसा खर्च करेंगे तो कहेंगे कि पैसों की कदर नहीं करता, फिजूल खर्ची करता है, दिखावा करता है। और अगर आप पैसा खर्च नहीं करेंगे तो कहेंगे कि आप एकदम लिचड़ इंसान हैं। अगर आपके पास पैसा ज्यादा है, आपने दिन रात मेहनत करके कमाया है, तो लोग कहेंगे कि दो नंबर का पैसा होगा, जरूर कुछ उल्टा काम किया होगा। और अगर आपके पास पैसा कम होगा तो कहेंगे कि थोड़ी बहुत अगर अकल चलाता, थोड़ी बहुत अगर सूझबूझ से काम लेता तो आज इसका ये हाल नहीं होता। तो दोस्तों, ये दुनिया इसी तरह से आपको जज करती है। आप किसी को दिखाने के लिए किसी की सुनकर कुछ ना करें। कोई आपको क्या बोलता है इस पर कभी ध्यान ना दें। ये पैसे की वो सच्चाई है जो YouTube पर आपको कोई नहीं बताता। आप जब लोगों की इतनी बातें सुनने लगते हैं तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं। जो चीज सही होती है वो भी आपको गलत लगने लगती है। तो मैं आपको पैसे की कुछ ऐसी टिप्स देता हूँ जो आपको थ्योरेटिकल और रियलिटी दोनों को कैसे मैनेज करना है वो सिखा देगी। तो सबसे पहली बात, जब भी आप कोई काम करते हो उससे कितना कमाते हो कितना नहीं, ये किसी को बताने की जरूरत नहीं है, और ना ही किसी का आपसे ये पूछने का मतलब बनता। दूसरी बात, उस चीज पर पैसा जरूर खर्च करें जिसकी आपको लगता है कि आपको जरूरत है। किसी और की राय या एडवाइस इस मामले में ना सुने। आप अपनी जरूरतों को दूसरों से बेहतर जानते हो, और आपको क्या चाहिए क्या नहीं इसके लिए आप खुद की सुने, ना कि कोई और आपको बताए। और तीसरी बात, कभी भी अपने पैसे को किसी भी ऐसी चीज में खर्च ना करें जिसको आप सिर्फ दिखावे के लिए इस्तेमाल करना चाहते हो, वरना ये आदत आपको एक दिन गरीब करके छोड़ेगी। और दोस्तों, चौथी बात, जब भी आप पैसा कमाते हो, चाहे बिजनेस से, चाहे जॉब से या कहीं से भी, उस पैसे को बैंक में पड़े पड़े सड़ने मत दो। सेविंग की हुई मनी आपके लिए लायबिलिटी की तरह है। हमेशा उस पैसे को अपने काम में इस्तेमाल करें, अपने लिए एसेट्स खड़ी करें ताकि उन पैसों से और पैसा बनाया जा सके। और पांचवी बात, कि आप कितना पैसा कमाते हैं ये मैटर नहीं करता, आप किस तरह खर्च करते हैं ये मैटर करता है। मेरे बताए गए पिछले 4 पॉइंट्स को अगर आप अपनी लाइफ में फॉलो करेंगे तो ये पांचवा पॉइंट्स खुद ब खुद बेहतर बन जाएगा। अब अगर आपका कोई सवाल है तो आप नीचे कमेंट करो, और इस वीडियो को दबा के लाइक मारो, और ऐसी ही बेहतरीन वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और बेल आइकन को दबाना भी, क्योंकि आप लोग चैनल सब्सक्राइब नहीं करते। तो मैं मिलूंगा आपसे ऐसी ही बेहतरीन वीडियो के साथ। तब तक के लिए मोटिवेशनल मंत्रा साइनिंग ऑफ।